हेलो डियर गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल बायो प्रो प्लस। मैं डॉक्टर नीलू मिश्रा, आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। स्टूडेंट्स, पिछले टर्म में मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था वो था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि आर एच वेटकर ने दिया था। उसके बाद मैं आपको आज पढ़ाऊंगी क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं एल्गी के बारे में डिटेल में भी आपको बाद में और पढ़ाऊंगी। तो अभी जो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी है, ये आपका जो 11th एनसीईआरटी है बायो की, उसका जो थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम, ये उस चैप्टर का टॉपिक है। तो आप उस पर भी जाके पढ़ सकते हैं। तो मैं टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, अपने कलीग्स को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी पुश कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो पुराने लोग हैं उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है। मुझे बहुत सारे सब्सक्रिप्शन, बहुत सारे लाइक्स, बहुत सारे कमेंट मिलते हैं, जो कि मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए मैं टॉपिक को शुरू करती हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। जो एल्गी होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपना फूड स्वयं प्रिपेयर करते हैं। एल्गी को थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो जो एल्गी होते हैं उनको मेन थ्री मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग करेक्टर्स, यानी कि जो भी एल्गी होता है उसके कुछ करेक्टर्स होते हैं, उनको देख के उन्हें तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कौन कौन से तीन वो करेक्टर्स हैं वो मैं बाद में बताऊँगी कैटेगरी। सबसे पहले एल्गी को किस आधार पर, किस बेसिस पर तीन भागों में डिवाइड किया गया, वो बेसिस क्या है? पहला है मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यानी कि अगर कोई एल्गी है उसे क्लासिफाई करना है तो सबसे पहले ये देखना है कि उसमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्या है। उसी आधार पे जो नीचे की तीन कैटेगरी अभी मैं आपको बताऊंगी, उनमें से किसी एक में उस एल्गी को रखा जाएगा। या आप ये कह सकते हैं आपको एक एल्गी दे दिया गया, अब आपसे कहा गया जा रहा है कि इसको बताइए किस कैटेगरी में आएगा। तो उसको क्लासिफाई करने के लिए, या आप उस एल्गी को किस कैटेगरी में रखेंगे, सबसे पहले आप उसमें फॉलोइंग करेक्टर्स देखेंगे, उनमें से जो करेक्टर आपको मिलेंगे उसी के बेसिस पे आप उस एल्गी को क्लासिफाई करेंगे। तो पहला क्या देखेंगे कि मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यानी उस एल्गी में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा है। दूसरा क्या है, सेल वॉल कंपोजिशन, यानी वो जो एल्गी आपको दिया गया आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी जो सेल वॉल है उसमें क्या कंपोजिशन है, वो किस चीज़ की बनी हुई है। तीसरा क्या है, स्टोर्ड फूड मटेरियल, यानी कि उस एल्गी का जो स्टोर्ड फूड है यानी वो क्या है, किस फॉर्म में है। और चौथा क्या है, नंबर ऑफ फ्लैजला एंड पोजीशन एंड इंसर्शन, यानी उस एल्गी में फ्लैजला है कि नहीं है, और अगर है तो कितने फ्लैजला हैं और उनकी पोजीशन क्या है उस एल्गी में। इन चारों करेक्टर्स के आधार पे ही आप उस एल्गी को कैटेगराइज करेंगे या क्लासिफाई करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि एल्गी को कौन कौन सी तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, एल्गी को तीन क्लासेस में डिवाइड किया है। पहला है क्लोरोफाइसी, दूसरा है फियोफाइसी, तीसरा है रोडोफाइसी। यानी आप ये चारों करेक्टर देखेंगे, फिर इन करेक्टर के बेसिस पे आप या तो उसको क्लोरोफाइसी में रखेंगे, या तो आप फियोफाइसी में रखेंगे, या उसको रोडोफाइसी में रखेंगे। तो जो क्लोरोफाइसी होता है उसका जो कॉमन नेम है उसको बोलते हैं ग्रीन एल्गी, क्योंकि ये एल्गी क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के दिखते हैं। यानी जो एल्गी आपको दिया गया आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर आपको ग्रीन दिख रहा है, एटमीन्स वो ग्रीन एल्गी है, तो पहला करेक्टर है कि उसमें क्लोरोफाइसी में आ सकता है, क्योंकि ग्रीन कलर दिख रहा है आपका। दूसरा है फियोफाइसी। फियोफाइसी क्या है, इनका जो कॉमन नेम है वो ब्राउन एल्गी है, क्योंकि ये एल्गी क्या होते हैं, देखने में ब्राउन कलर के दिखते हैं। और तीसरा है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो एल्गी होते हैं वो रेड कलर के दिखते हैं। तो पहला आप यही देखेंगे कि जो आपको एल्गी मिला है वो रेड दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, ब्राउन दिख रहा है। उसके बाद आप ये चारों करेक्टर्स देखेंगे, उसमें कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, सेल वॉल कंपोजिशन क्या है, स्टोर्ड फूड क्या है, फ्लैजेला कितने और किस पोजीशन पे हैं। फिर अब हम अलग अलग एल्गी का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो जो क्लोरोफाइसी है, तो क्लोरोफाइसी का जो करेक्टरिस्टिक्स फीचर है वो क्या है। क्लोरोफाइसी की सबसे पहले क्या, इनको हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं क्योंकि ये ग्रीन कलर के होते हैं। दूसरा क्या है, इनका जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो क्या होता है, ए एंड बी। जैसा कि ये पहला पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो जो क्लोरोफाइसी होते हैं उनका जो मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल ए एंड बी। फिर क्या है, स्टोर्ड फूड मटेरियल, जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है, स्टार्च होता है क्लोरोफाइसी का। जो सेल वॉल कंपोजिशन होती है, तो क्लोरोफाइसी की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और फ्लैजला जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें 2 से 8 इक्वल फ्लैजला होते हैं और एपिकल होते हैं। यानी क्लोरोफाइसी में फ्लैजला होंगे या तो 2 से 8 तक हो सकते हैं, एपिकल यानी टिप पे होंगे, एंड इक्वल यानी सेम साइज के होंगे सारे फ्लैजला। तो क्लोरोफाइसी का करेक्टरिस्टिक फीचर ये है। दूसरा क्या है, फियोफाइसी। अगर आपको वो जो एल्गी है वो ब्राउन कलर की है तो वो फियोफाइसी में आएगी। उसमें क्या होगा, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा वो क्या होगा, ए होगा, सी होगा एंड फ्यूकोजेंथिन होगा। स्टूडेंट्स, एक
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रैक्टिकल में वाइवा में पूछा आता है कि क्लोरोफाइसी है तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होगा, तो ए एंड बी होगा। क्लोरोफिल ए और बी क्या होता है, किसी भी सेल को ग्रीन कलर देता है। दूसरा जो फियोफाइसी है उसमें जो ब्राउन कलर है वो फ्यूकोजेंथिन की वजह से होता है, ए एंड सी साथ में प्रेजेंट है बट जो ब्राउन कलर है वो फ्यूकोजेंथिन की वजह से, यानी इसमें फ्यूकोजेंथिन होगा। फिर तीसरा क्या है, जो फूड मटेरियल फियोफाइसी में पाया जाएगा ब्राउन एल्गी में, वो क्या होगा, मैनिटॉल एंड लैमिनरिन होगा, इसमें स्टार्च नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, जो सेल वॉल कंपोजिशन होती है इसकी सेल वॉल सेलुलोज एंड एल्जिन की बनी होती है। और चौथा क्या है, फ्लैजिला क्या होते हैं, इसमें भी दो होते हैं, इसमें दो होते हैं, अनइक्वल एंड लैटरल होते हैं, यानी इसमें फ्लैजिला दो होंगे तो उसे ऐड नहीं होंगे, लैटरल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, यानी दोनों की जो लेंथ होगी वो अलग अलग होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोडोफाइसी की। रोडोफाइसी ये तीसरी क्लास है एल्गी की, इसको रेड एल्गी बोलते हैं क्योंकि ये रेड कलर के दिखते हैं, इसीलिए इनका कॉमन नेम रेड एल्गी है। दूसरा, इनमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो ए बी एंड फाइकोएरिथ्रिन है। ये जो फाइकोएरिथ्रिन इसमें प्रेजेंट है इसी की वजह से एल्गी में रेड कलर होता है, यानी कि रेड कलर किसकी वजह से आ रहा है उस एल्गी में, फाइकोएरिथ्रिन की वजह से। फिर इसमें जो फूड है स्टोर्ड फूड वो क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च है, ये इस नाम से ही होता है, और ये फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में सेव होता है, इसमें स्टोर होता है। सेल वॉल जो होती है इसकी सेल वॉल क्या होती है, सेलुलोज की, पेक्टिन की एंड पॉलीसल्फेट स्टर्स की बनी होती है। और जिनके फ्लैजिला होते हैं तो इसमें फ्लैजिला क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, यानी रेड एल्गी में फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो इसके तीनों क्लासिफिकेशन थे। अब मैं आपको इसमें क्वेश्चन बताती हूँ, इस एक क्लासिफिकेशन से आपके तीन क्वेश्चन तैयार हुए। कौन कौन से, पहली बात तो अगर क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द क्लोरोफाइसी, तो आप क्लोरोफाइसी में मैंने जो बताया वो लिखेंगे। दूसरा क्या, अगर ऐसे ही सेम आता है डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फियोफाइसी तो आप ये लिखेंगे, रोडोफाइसी आता है तो आप ये लिखेंगे। इसके अलावा अगर आपको तीनों में डिफरेंस पूछा आता है तो सेम यही करेक्टर्स आप टेबल बना के लिख सकते हैं। और इसके अलावा ये क्वेश्चंस इसमें से एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है आपके वाइवा में भी पूछे आते हैं, जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है 11th 12th में, तो उसमें भी पूछते हैं कई बार, पूछते हैं कि जो ब्राउन एल्गी है उसका जो मेन पिगमेंट है वो क्या है, या उसमें ब्राउन कलर किस वजह से होता है, तो आपको पता होना चाहिए वो फ्यूकोजेंथिन की वजह से होता है। रोडोफाइसी का रेड कलर किस लिए होता है, उसका डोमिनेंट पिगमेंट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, फाइकोएरिथ्रिन। क्लोरोफाइसी क्योंकि नाम से ही क्लियर है तो उसमें क्लोरोफिल ए एंड बी होगा। तो इस तरह से आपके कई सारे क्वेश्चन भी इस एक क्लासिफिकेशन से तैयार हो रहे हैं, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैं बहुत ही शॉर्ट वे में फ्लो चार्ट से हर एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, अपने वे में डायरेक्टली लैंग्वेज फॉर्म में नहीं लिखती हूँ, क्योंकि पॉइंट वाइज लंबा लंबा लिखने से याद भी नहीं होता किसी को। तो आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा, और आपकी कोई भी क्वेरी सजेशंस हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।